नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है उसको बहुत ढूंढाई में, बहुत डेप्थ में समझने की जरूरत है। टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि जीवन में, अगर पुरुष के जीवन में गर्लफ्रेंड हो और स्त्री के जीवन में बॉयफ्रेंड हो, स्त्री को गुरु और राहु अच्छा फल देंगे और पुरुष को शुक्र और राहु अच्छा फल देंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर ने जे आज कैसा वीडियो बना दिया, कहीं उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की जगह बिस्की तो नहीं पी ली। ऐसा नहीं है भाई, इस वीडियो को अच्छी तरह से समझे। जैसे कोई समुंदर देखने गया तो उससे पूछा कि भाई कहाँ गए थे, बोला समुंदर देखने गया था। तो कैसा लगा समुंदर? कहता जी बहुत हलचल, बहुत बड़ी बड़ी लहरें, ऐसा समुंदर। मगर भाई असल में समुंदर क्या है? जब समुंदर की डूंघाई में जाते हैं तो समुंदर बहुत शांत हो जाता है, बिल्कुल ही शांत। जब नीचे जाते हैं ना सी के, समुंदर के, तो बहुत शांति है, गहरी शांति। लेकिन ऊपर से क्या लगता है कि लहरें हैं, बड़ी बड़ी लहरें हैं, बहुत डिस्टर्बेंस है। इस तरह का समुंदर बहुत उग्र स्वभाव का। इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा डेप्थ से समझिए। अगर मैं आपको ये कहूं कि जीवन में दोस्त होने जरूरी है, सभी कहेंगे बिल्कुल सही बात है जी, जीवन में दोस्त होने जरूरी है, तभी हमारा जीवन सुख और शांति से कट सकता है। पुराने समय में दोस्तों में, आपस में, लोगों में बहुत प्रेम प्यार हुआ करते थे और बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, पैरालिसिस बहुत कम हुआ करते थे, सेहत अच्छी हुआ करती थी। तो भाई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से जो रिश्ता हो वो प्यार और पवित्रता वाला हो, आपस में संबंध बहुत ही पवित्र भी हो सकते हैं ना, एक दूसरे से भाई बहनों वाली चाहत, एक दूसरे के लिए ईश्वर से शुभकामनाएं करनी, दुख सुख में एक दूसरे के साथ दिल से खड़ना, अच्छा रिश्ता हो, पवित्रता वाला रिश्ता हो, बिना लालच के एक दूसरे के काम आते हो, गलत चाहत ना हो। जिन स्त्रियों के जीवन में इस तरह के रिश्ते होते हैं उनको गुरु और राहु बहुत शुभ फल देते हैं,
और जिन पुरुषों के जीवन में इस तरह के रिश्ते होते हैं उनको शुक्र और राहु बहुत शुभ फल देते हैं, चाहे किसी भी पोजीशन में पड़े हो। वैसे देखने में इस तरह आया है कि जिनके शुक्र गुरु राहु मजबूत होते हैं थोड़े से, उनकी जीवन में ही इस तरह के योग बनते हैं। लेकिन जब इस तरह के योग बन जाते हैं तो शुक्र गुरु और राहु बहुत ही अच्छा फल देने लग जाती है। जातक को अचानक ही जीवन में बड़े बड़े लाभ मिलते हैं, उसके जीवन में अनएक्सपेक्टेड अच्छी घटनाएं घटती हैं, जीवन में सभी सुख मिलते हैं, सुख समृद्धि के साधन धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा बनी रहती है, एक दूसरे की दुआएं जातक को बड़ी से बड़ी बदनामी से बचाती हैं, बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं से बचाती हैं। तो भाई अगर इस तरह का रिश्ता हो तो राहु राजनीति में भी बहुत सफलता देते देखे गए हैं, और जातक अगर नौकरी करता हो उसमें भी बड़ी बड़ी प्रमोशंस पदोन्नतियां देते देखे गए हैं, यानी अचानक ही अच्छे लाभ देते देखे गए हैं। चाहे राक्षस ग्रह है मगर पवित्र रिश्ते की सभी ग्रह कदर करते हैं। ये तीनों ग्रहों का बल कुंडली में बहुत बढ़ जाता है अगर जातक के जीवन में इस तरह के रिश्ते। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि आपके जीवन में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कैसे शुभ हो सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स लोग।